नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप सबके हाल। मैं हूं सुप्रिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मॉम एंड बेबी रिलेटेड ब्लॉग। आप सबको मेरी तरफ से छठ पूजा की बहुत बहुत बधाइयां। एंड आज है खरना और हम लोग के यहाँ खरना के दिन जिनके यहाँ होता है तो भी नहीं होता है तो भी खरना के दिन जो है हम लोग फास्ट रखते हैं। मतलब ऐसा वाला फास्ट रखते हैं, सिर्फ नमक छोड़ते हैं, मतलब बाकी मीठा चीज खाते हैं। और शाम में जो खरने की खीर बनती है वो भी हम लोग खाते हैं। तो आज और कल जो है हम लोग का फास्ट रहता है। तो फास्ट में हम लोग क्या क्या लेते हैं और आज क्या क्या खाने वाले हैं, आज फास्टिंग वाला ब्लॉग है और मैं आप सबके साथ सुबह से ही स्टार्ट कर दी थी ब्लॉग। तो चलिए अभी से स्टार्ट करते हैं। अभी हो रहा है सुबह के 6 बज रहे हैं, मैं 6 बजे उठ जाती हूँ। किसी दिन हो जाता है 6:30, 7, क्योंकि रात में क्या होता है ना, ऋषिक थोड़ा कभी कभी बहुत परेशान करता है, बार बार उठता है तो नींद नहीं पूरा होता है, तो मतलब लेट भी हो जाता है। नहीं तो सुबह 6 से 7 बजे के बीच में हम लोग उठ जाते हैं। मैं उठते के साथ सबसे पहले किचन में जाती हूँ, पानी गर्म करती हूँ, पीती हूँ, उसके बाद कर्टन वगैरह खोलती हूँ, मतलब देखती हूँ कि वो लोग ऋषिक सूर्यांशु उठने वाला है तो उसके पहले ठीक खोल देती हूँ ताकि लाइट आ जाए। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जगी हूँ तो 1 घंटा जो है मेरे को अपना टाइम मिले या आधा घंटा मिले ताकि मैं उसमें कुछ भी ऐसा वॉक करूँ या योगा करूँ, कुछ भी जो करना हो करूँ। बट मुश्किल से किसी किसी दिन ऐसा मतलब मौका, सुनहरा मौका मिलता है। जनरली वो लोग साथ में ही उठ जाते हैं। और यहाँ पे अभी सूर्यांशु को ब्रश वगैरह करवा दी हूँ और करवा के फिर सबसे पहले फ्रूट ऑफर करती हूँ, बनाना एप्पल जो भी उसको खाना है। तो आज उसका बनाना का टाइम है, वो एक फ्रूट 1 से 2 ही दिन खाता है, दूसरा दिन उसको दूसरा चाहिए रहता है। तो आज उसका बनाना का टाइम है तो आज मैं बनाना दूंगी। और बनाना खाने के बाद उसको 1 घंटा का ब्रेक चाहिए होता है, उसके बाद ही वो ब्रेकफास्ट करता है। तो आज जो है जब तक वो बनाना खाता है और ऋषि मेरा फीडिंग अभी करता है तो फीडिंग उसको करवा दी हूँ। और यहाँ पे आधे घंटे जो है हम उसके साथ खेलते हैं दोनों के साथ मिलके, फिर उसके बाद चाय बैठाते हैं 10-15 मिनट के बाद। और फिर चाय जैसे रेडी हो रहा है तब तक बैठ के उसके साथ खेल लिए या कुछ भी कर रहा है तो उसके साथ बैठे हुए हैं। नहीं तो ऋषि को मसाज करना होता है तो उसको मसाज करते हैं उसी टाइम में। नहीं तो अगर ज़्यादा सूर्यांशु तंग करते रहता है तो वो साथ में खेलने लगते हैं सभी लोग, उसको जब टाइम मिलता है तो मसाज कर देते हैं छोटा वाला को। तो यहाँ पे मेरा चाय बन रहा है, तब तक ऋषिक को जो है प्योरी खिला देती हूँ, बनाना थोड़ा सा मैश करके उसको भी सुबह सुबह थोड़ा सा ऑफर करती हूँ, खा लेता है तो ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऋषि को खिला के उसके बाद फिर सूर्यांशु का ब्रेड जो है रेडी करूँगी, ब्रेड बटर सुबह में वो खा लेता है। तो वहाँ पे अभी ऋषि को मैं खिला रही हूँ, फिर सूर्यांशु को खिलाऊँगी, उसके बाद फिर आप सबसे मिलते हैं। तो अभी जो है टाइम हो रहा है 9:30 और 9:30 तक ऑलमोस्ट जो है मेरा बच्चा लोग के रिलेटेड काम जो है ब्रेकफास्ट करवाना, उसके साथ खेलना, उसको जो भी नीडेड है ब्रश करवाना, मॉर्निंग का जो रूटीन है वो हो जाता है। 9:30-10 बजे तक मेरा वो काम फिनिश हो जाता है। उसी देर में आधे घंटे 1 घंटा खेल भी लेता है ये लोग। तो हम लोग जो है इसका काम मैं कर दी हूँ। और आज हम लोग का दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों का फास्टिंग है, क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि आज है छठ वाली खरना। तो हम लोग जो है आज फास्ट रखते हैं, मतलब नमक नहीं खाते हैं। आज हम लोग तो खाना बनाना नहीं है, सूर्यांशु का है तो सिर्फ थोड़ा सा उसका बनाना है, ब्रेड बटर अभी खा लिया है, फिर सेकेंड टाइम पूछेंगे जो खाएगा वो बनाऊंगी। और फिर हम लोग आज का फास्ट का जो भी बनाना हो कुछ पीनट जो है वो तलते हैं, तो मतलब जो भी है नॉर्मल फ्रूट है तो वो खाएंगे। और फिर मैं आती हूँ बात लेके, ऋषि को भी बात देना है ताकि ये आराम से नैप ले दोपहर का, इसको नहा देती हूँ ना तो ये अच्छे से नैप लेता है 2 या 2.5 घंटे का। तब तक मैं अपना काम फिनिश कर लेती हूँ। सूर्यांशु को फिर कुछ एक्टिविटी वगैरह करवाते हैं दोपहर में तो वो सब भी शेयर करेंगे। और आप सबसे आज बातें करना है तो पहले आते हैं नहा के और पूजा करके, क्योंकि आज खरना है, सूर्य भगवान को जल देना है और पूजा करके ही चाय पानी और जो भी फलहार करना है, मतलब फ्रूट खाना है या कुछ भी। तो फिर मिलते हैं आप सब
के साथ अभी देख सकते हैं, सो के उठे हैं तो कितना भद्दा चेहरा लग रहा है। और बट कोई नहीं, मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रहे हैं तो मॉर्निंग जैसा तो फेस रहना चाहिए। अब मेकअप करके मॉर्निंग में कोई थोड़ी उठता है, वो ऐसे फिल्मों में ही सिर्फ दिखाते हैं कि चादर से लड़की एकदम निकली मेकअप सेकअप करके, मॉर्निंग डार्लिंग। तो वैसा रियल लाइफ में देखने को नहीं मिलता है, रियल लाइफ में वो भी बच्चे के साथ ऐसे ही चेहरा देखने को मिलेगा। बट मिलते हैं नहाने के बाद और आप सबसे बातें करते हैं। करके तो मैं नहा भी ली और पूजा भी कर ली, सब कुछ कर ली है। 2 घंटे लेट हो गया मेरे को ये शूटिंग करने में, क्योंकि छोटा वाला बेटा जो है बहुत परेशान कर रहा था और उसको इधर उधर करने में, उसके साथ खेलने में टाइम बीत गया। अभी मैं एक वीडियो का शूटिंग कर रही थी तो मैं सोची कि लगे हाथ ये भी शूटिंग कर लेती हूँ, आप सबको बता देती हूँ कि अभी मैं नहा ली हूँ और पूजा वजा करके। तो जैसे ही पूजा करके मैं उठी थी तो जो प्रसाद में बनाना और एप्पल भगवान जी को भोग लगाई थी, तो सबसे पहले हम लोगों ने वो खाया, बनाना और एप्पल, आधे घंटे के बाद खाई थी। पहले बनाना खाई थी, फिर उसके बाद हम लोगों ने चाय पिया और फिर सेकेंड टाइम जो है हम लोग वाटरमेलन खाए थे। और हम लोग कभी भी फास्टिंग रखते हैं तो उस दिन वाटरमेलन तो ज़रूर खाते हैं, क्योंकि वाटरमेलन खाने के बाद ना बहुत ही फुलफिल फील करते हैं, मतलब अच्छा लगता है। और पानी ऐसा कम भी पियो तो चलता है, बट वाटरमेलन हम लोग हमेशा खाते हैं तो आज भी खा रहे हैं। हमारे वाटरमेलन रेडी हैं और मैं खाने के लिए भी रेडी हूं। और यहाँ पे जो है अभी सूर्यांशु का थोड़ा सा दाल एंड राइस बना रहे हैं, और ऐसा बना रहे हैं ताकि ऋषि को भी थोड़ा सा फीड कर सकूं और सूर्यांशु को भी, क्योंकि वही लोग का आज है खाने का दिन। तो अभी मैं उसको खिला रही हूँ, और खिलाने के बाद 1-1.5 बजे के आसपास जब ऋषि उठ जाता है तो फिर हम सूर्यांशु को उस टाइम में एक्टिविटी कुछ करवाना है या कुछ ऐसा गेम खेलना है तो खेलते हैं। आज वो ऐसे ही उसका मन था, पूछ के करवाते हैं। अगर उसको पेंटिंग करने का मन हो तो पेंटिंग, अगर कुछ कलरिंग करता है तो लिखने का मन है तो लिखने, फोर्स नहीं करते हैं अभी। अभी जो उसका मन होता है वही करवाते हैं, किसी दिन नहीं मन हुआ तो नहीं भी करवाते हैं, बट कोशिश करते हैं कि मतलब कर ले। अभी जो है हम लोग को पीना है चाय और सूर्यांशु का यहाँ बना है दाल राइस। तो हम लोग में ऐसा माना जाता है कि अगर वो गैस पे नमकीन बना दिए तो जिस गैस पे बनता है उस गैस पे सब कुछ मारते हैं। तो अभी जस्ट गैस को क्लीन करना है, फिर चाय बनाना है, फिर थोड़ा बहुत कुछ यहाँ पे बिराना वगैरह है चाहे बनाना, कुछ भी खाना हो तो खाएंगे। तो फटाफट ये काम फिनिश करते हैं। और जब तक मैं इधर चाय बना रही हूँ, और अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहा है, तो सूर्या और ऋषि खेल रहा है। सूर्या ऋषि जो है दिन भर में कम से कम 10-15 जोड़ी कपड़े जो है वो ख़राब करता है, इतना कुछ भी खाता है तो भिंगाता है, और उसका पता नहीं कितना मुंह से पानी गिराता है, हमेशा टी शर्ट वेट करते रहता है वो। तो हम लोग का अभी अभी तो पूरी रात बाकी है, बट अभी हम लोग थोड़ा सा स्नैक्स के रूप में स्ट्रॉबेरी और कीवी ले रहे हैं। और मेरे हस्बैंड बोले कि थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी दो, तो फिर कट करने लगे। फिर अभी आधे घंटे के बाद चाय पियेंगे, और फिर इस ब्लॉग को यहाँ पे ही आफ्टरनून तक ही था तो मैं इसको आफ्टरनून तक ही एंड करेंगे, और बहुत जल्द हमारा फुल डे रूटीन भी शेयर करेंगे आप सबके साथ। आई होप कि आप सबको हमारा ये आज का मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन जो है अच्छा लगा होगा, और वीडियो को एंजॉय किए होंगे और हेल्पफुल लगा होगा। तो वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा हमारे सारे वीडियो के अपडेट के लिए। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट।